हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं बीजेपी वाले जी। टक्कर है इस बार, भीषण टक्कर है। रात में लॉकडाउन करते हैं और दिन में रैलियां करते हैं, बड़े बड़े रैली करते हैं। दिन में कोरोना नहीं आता है, सिर्फ रात में ही कोरोना आता है क्या? ब्राह्मण वो मारे गए जो गद्दार थे, जो चोर थे, जो लबार थे। हत्या तो कटुओं ने करी ना, हटुआ कोई ब्राह्मण थोड़ी उनको हत्या कर गया। टेनी को कुछ नहीं कहेंगे, टेनी का लड़का उसमें शामिल था, उसको सजा हो चुकी है। धमकी वाले भाषण उस पे आपने कितने कवरेज दिखाए? वो वैसी साले सारे आम आकर के हम लोगों को मारने धमकी दे रहा है, उसको आपने कब दिखा दिया? तो ये हिंदू दर दर भटक रहा है, बंगाल में मारे जा रहे हैं, आसाम में मारे जा रहे हैं, दिल्ली में हिंदू मारे जा रहे हैं, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? प्रशासन जो है शासन पे हावी है, अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि मतलब हम अगर कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी हमको जो है देशद्रोही ना साबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूँ आपके साथ अनुराग कुमार। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी लगातार चुनावी यात्रा जारी है और आज मेरी चुनावी यात्रा पहुँची 173 पूर्वी विधानसभा, ये लगती है लखनऊ के अंदर। तो लखनऊ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, पूर्वी विधानसभा के लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ का माहौल क्या चल रहा है। इस बार किसको ला रहे हैं मायावती, योगी, अखिलेश? भैया इस बार योगी जी को लाएंगे, लेकिन उसमें योगी जी का जो है ना, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो लोग एकदम निठल्ले हैं। जो क्षेत्र में जो विधायक है ना, वो लोग कहीं किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो है ये लोग कागज पे मजबूत हैं और जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? पूर्वी इसका माहौल कहते हैं कि बहुत विकास किया भाजपा ने, आपको लगता है विकास हुआ है? नहीं, यहाँ पे जो विकास हुए थे जब मायावती सरकार था वहाँ, उस समय में रोड नाली जो बनी थी उस समय बनी थी, इस समय सिर्फ जो है लिपा पोती हो रहा है, रोड जो बन रहे हैं। अच्छा, आपने मायावती जी की तारीफ की, नाम क्या है आपका? सौराष्ट्रजीत सिंह। अच्छा, सौराष्ट्रजीत, क्या लगता है कि मतलब इस बार टक्कर होगी? जी टक्कर है इस बार, भीषण टक्कर है और बीजेपी सरकार जो है ना काफी संघर्ष करना पड़ेगा वापस सरकार को लाने में, क्योंकि इस बार जो है ये लोग जो है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते हैं बीजेपी वाले, और कहते हैं कि हिंदू आदि सरकार है और हिंदू सुरक्षित है। कहाँ हिंदू सुरक्षित है आप बताइए? हिंदू दर दर भटक रहा है, बंगाल में मारे जा रहे हैं, आसाम में मारे जा रहे हैं, दिल्ली में हिंदू मारे जा रहे हैं, तब ये लोग कहाँ रहते हैं? अब रहते क्यों नहीं? राम मंदिर बनवा दिया, वो तो कहते हैं कि हमने राम मंदिर इन्होंने नहीं बनाया। राम मंदिर तो कोर्ट के आदेश पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है, और उसका लड़ाई भी जो है हिंदू महासभा ने लड़ा है। राम मंदिर का लड़ाई कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ा है, हिंदू महासभा ने लड़ा है, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला दिया है। तो आपके हिसाब से मंदिर मतलब इन्होंने नहीं बनवाया मंदिर? बस सिरे तो भाजपा ही ले रही ना, पूरा सिरे कह रही कि भाजपा हमने करवाया, हम ना होते तो बनता भी नहीं। बीजेपी बस सरकार थी तो इसलिए सिरे, जैसे गोधरा कांड गुजरात में हुआ तो उसमें आदरणीय मोदी जी प्रधान वहां के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गोधरा का सिरे ले लिया, जबकि उनका कहीं ना उसमें कोई हाथ नहीं है। ठीक है, उसमें जो है परवीर तोगड़िया जी थे, उन लोगों ने काफी संघर्ष। वहाँ की बात नहीं, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था तो कहते नंबर एक की चल रही है। नहीं नहीं, यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है ना, प्रशासन जो है शासन पे हावी है, कहीं पे जो है सुनवाई नहीं हो रही, मतलब कोई किसी विधायक की नहीं सुनवाई। आप देख सकते हैं कि कोई सांसद अगर फोन करता है कि डीएम के पास कि हमारा आदमी गया है, इनका क्या सुनवाई नहीं हो, थाने पे नहीं सुनवाई हो रही है, कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है, फिर भी उनके वो अपने कार्यकर्ता को ही नहीं सुरक्षित कर पा रहे हैं बीजेपी वाले। आपके हिसाब से ठीक नहीं है सरकार? ठीक है, उनके विधायक और भी लोगों से जानने को। क्या नाम है आपका? शंकर निषाद। शंकर निषाद, निषाद जी इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार उत्तर प्रदेश? मायावती, योगी, अखिलेश किसको ला रहे हैं? बीजेपी ही आनी चाहिए। क्यों आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी क्या भैया? काम धाम उसके सब ठीक ठाक। क्या क्या काम किया बताइए? बहुत से ही काम किए, देखिए जहाँ गलियों में पानी भर रहा था वहाँ पे जो है रोड पांच गांव गिनाई। अच्छा, क्या क्या किए? जी पांच गांव क्या है, देखिए समोदीपुर है, बस्तौली है, टीकापुरवा है, पंडितपुरवा है, सभी और भी मतलब। अच्छा, ये तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम किया है। भैया आप देख लीजिए, यही रोड बना है, रोड बन गया लेकिन नाली नहीं बनी है, यही पूर्वी विधानसभा में देख लीजिए, और वो जो रोड बना है ना देखिए छोड़ रहा है, सारा गिट्टी छोड़ रहा है, एक इंच का उस पे लगा है वो बस। ये तो एक इंच का गिट्टी भी नहीं सही से डाल पा रहे हैं। नहीं नहीं भैया, रोड देखिए बन गए हैं लेकिन नालियां जो है नहीं क्लियर। ना पांच गांव गिना दीजिए, ये कह रहे पांच गांव गिनवा लीजिए। पांच गांव क्या देख लीजिए, बीजेपी के पांच काम गिना दीजिए जमीन पे। अब काम क्या है, देखिए गरीबों को पैसा दे रहे हैं खाते में, ठीक है, और अब ये तो छोटे बड़े काम तो ऐसे लगे ही रहते हैं। ये बताइए लॉकडाउन जो रात में लगता है दिन में खुला रहता है, इससे कोई
उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता भैया, वो तो 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। रात में लोग रात में लॉकडाउन करते हैं और दिन में रैलियां करते हैं, बड़े बड़े रैली करते हैं, तो ये बताइए दिन में कोरोना नहीं आता है, सिर्फ रात में ही कोरोना आता है क्या? ये लोग बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, अभी लखनऊ में भी हुआ है, कल उन्नाव में रैली हुआ है, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। आप लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं तो कोरोना नहीं फैल रहा है, लेकिन आप रात में लॉकडाउन कर दे रहे हैं, दिन में जो है रैलियां कर रहे हैं, तो कोरोना कहाँ चला जा रहा है आप बताइए। चलिए और भी लोगों को जानने को, अभी थोड़ा रुकिएगा तुम, क्या लग रहा है माहौल क्या है? जी भैया, हम राम जन्मभूमि अयोध्या से हैं। अच्छा, अयोध्या से? जी जी। फिर क्या माहौल है इस बार? हमारे यहाँ माहौल बहुत बढ़िया, योगी जी सरकार फिर आएगी। किस लिए आएगी? क्योंकि अच्छा हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ। क्या क्या विकास? विकास एयरपोर्ट हुआ, बस अड्डे हुए, तमाम सुविधा वहाँ आ रहे हैं, हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बहुत खुश हैं। कहते कानून व्यवस्था ठीक नहीं? कानून व्यवस्था ठीक है, बस इनके थोड़ा। अच्छा, नाम क्या है? उदय भान कश्यप। कश्यप, कश्यप जी चाह रहे भाजपा? जी जी। आपके हिसाब से पांच काम गिनाइए आप आज। काम से सर हम ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो काम हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये कह रहे जानकारी हमें ज्यादा नहीं है, काम बहुत अच्छा है। जी जी भैया, पूर्वी विधानसभा में रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ का ही काम 5 साल से रह रहे हैं आप। पूर्वी विधानसभा का काम बताइए, क्या क्या हुआ है? ज्यादा जानकारी नहीं है हमें। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार पूर्वी विधानसभा? ठीक है। किसको ला रहे हैं? अब ये जो नहीं बताएंगे। अच्छा, ये दही रात को लॉकडाउन लगता है, दिन में खुला रहता है, इससे भैया इन सब चीजों में मुझे कोई कॉन्ट नहीं करनी, कोई कमेंटमेंट नहीं देनी। चलिए कोई नहीं है नहीं, कुछ इस सरकार में आदमी अपनी आवाज नहीं उठा पा रहा है, ये लोग डर रहे हैं कि मतलब हम अगर कुछ कर दें तो बीजेपी हमको जो है देशद्रोही न साबित कर दे, ये माहौल भय का माहौल बना दिए हैं ये लोग, समझ रहे हैं? बोलने से लोग कतरा। हाँ, बोलने से कतरा। आप देख लीजिए, कोई बोलने के लिए नहीं इनके खिलाफ जो है कि जमीन पे ये लोग, जैसे आप देख लीजिए आशुतोष टंडन जी है, ये सिर्फ नाम पे जो है जीत जाते हैं। आशुतोष टंडन जी को आप कह दीजिए कि हमारे कहीं पूर्वांचल से जाकर लड़के दिखा दें, जीत के दिखा दें, ठीक है? तो पूर्वी विधानसभा में जो है ना सिर्फ जो है इनके नाम पे ही वोट चला जाता है, बीजेपी के नाम पे वोट जाता है। लगता है यहाँ पे बीजेपी से लोग डरते हैं। हाँ, बीजेपी से डर रहे हैं लोग, ये लोग जो है सिर्फ खौफ का माहौल बनाया है। कि आपके हिसाब से किस प्रकार का खौफ बनाते हैं ये लोग? कहना यह है कि आप नमक रोटी खाओ, अपने घर में पड़े रहो, सरकार क्या कर रही क्या नहीं कर रही उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम योगी जी की तारीफ करेंगे, योगी जी अब तक के सबसे सुपर सीएम है, मैं योगी जी के नाम पे वोट दूंगा, इनके विधायक के नाम पे वोट नहीं दूंगा। अच्छा, विधायक से नाराज किया? जी, विधायक लोग जो है क्षेत्र में काम नहीं कर रहे, सिर्फ योगी मोदी के नाम पे वोट लेके और घूम रहे हैं। चलिए और भी लोगों को जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है इस बार पूर्व का? हाँ जी, यहाँ का माहौल क्या है इस बार, किसको लाएंगे इस माहौल? ये योगी जी का लग रहा है। योगी जी का नाम क्या आपका? राम तिलक जी। तो इस बार योगी जी को लाएंगे, क्यों लाएंगे? योगी जी का अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। क्या क्या अच्छे काम के? पांच काम हमें भी गिनाओ आप। पब्लिक का नहीं, सब कुछ दे रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं। राशन पानी दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए आपके हिसाब से क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार? इसको ला रहे हैं मायावती, योगी, अखिलेश यादव आ रहे हैं। क्यों अखिलेश को क्यों ला रहे हैं? उनका काम अच्छा है। योगी जी तो बहुत काम किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम नहीं किए हैं। क्या काम नहीं किए? कोई तो काम नहीं किए हैं, कोई रोजगार नहीं है लोगों के पास। आपके हिसाब से रोजगार नहीं है? जी। अच्छा, चलिए इसे जानते हैं, क्या नाम है? आलम। आलम, आलम इस बार माहौल क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनाएंगे, मायावती योगी यादव की? अखिलेश यादव। कहते हैं अखिलेश की सरकार आएगी इस बार? जी। क्यों लाएंगे अखिलेश? अखिलेश अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं। काम तो योगी जी बता, बहुत अच्छा करते हैं। बेरोजगार बैठे हुए हैं, अखिलेश तो अच्छा अच्छा बढ़िया काम करे हुए हैं, योगी जो तो कुछ नहीं करी। आपके हिसाब से योगी जी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं की नहीं। चलिए और भी लोगों से जानते हैं, इधर खड़े हुए हैं लोग। दादा क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या है, किसकी सरकार लाएंगे? हमको तो पता ही नहीं है, आप ही लोग के लड़ेंगे और किसके लड़ेंगे? नाम क्या है? श्री राम मिश्रा। मिश्रा जी ये बताइए इस बार माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लग रहा है, भाजपा जीतेगी, यही माहौल है। कहते हैं कि इस बार ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार हुआ। किसने कहा? ब्राह्मण वो मारे गए जो गद्दार थे, जो चोर थे, जो लबार थे। हमको तो किसी ने नहीं छो, मैं भी ब्राह्मण हूँ। कमलेश तिवारी की हत्या हुई, बाकी हत्या तो कटुओं ने करी ना, हटुआ कोई ब्राह्मण थोड़ी उनको हत्या कर गया। कहते आपसी के लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, आपस में लड़ा रहे हैं लोग। ये अभी कह रहे थे कानून व्यवस्था खराब, इधर आइए थोड़ा। ये तो कह रहे आप ही के लोगों ने।
कौन कह रहे हैं? ये कह रहे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो उनके उनके जो जो आरोपी हैं उनको बिरयानी क्यों खिलाया जा रहा है? अभी तक जो है उनको 13 मांग रखी गई, 13 मांग में कोई पूरा नहीं हुआ, आप बताइए। आपके हिसाब से ये कह रहे थे? मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं एक साधारण नागरिक हूँ, मेरे हिसाब से सब ठीक है। आपके हिसाब से कानून व्यवस्था ठीक? बिल्कुल ठीक है। तो आप कानून व्यवस्था ठीक है तो आप बीजेपी के 5 काम गिना दीजिए हमको कि 5 काम। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ। तो सामाजिक है? नहीं, आपके हिसाब से कानून व्यवस्था क्यों ठीक रही है? क्या क्या नहीं गड़बड़ है? क्योंकि नहीं ठीक है। जो देखिए इस सरकार में उसी की सुनवाई हो रही है जो जिनके लिंक तगड़े हैं और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हीं लोगों का, छोटे लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आदमी जाता है कहीं डीएम ऑफिस जाता है तो वो कहते हैं कि एसडीएम के पास जाओ, वो कहते हैं तहसील के पास जाओ। नहीं, मुख्यमंत्री जी का तो मैं तारीफ करता, योगी जी अच्छे हैं और योगी जी आएंगे, लेकिन कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। प्रशासन शासन पे आगे और भी लोगों से जानने की कोशिश करें क्या लग रहा माहौल, क्या इस बार माहौल जो है वही रहेगा। अच्छा, नाम क्या है? मुकेश कनौजिया। कनौजिया जी, अब बाबा क्या नाम है? रामदयाल। अच्छा, किसका माहौल लग रहा है इस बार? अभी हम नहीं जाते हैं। अच्छा, नहीं जाते को, चलिए कोई बाबा से पूछते हैं क्या लग रहा है। ताऊ जी, माहौल क्या है इस बार? बहुत बढ़िया माहौल है। रात को जो लॉकडाउन लगता है दिन में नहीं लगता, इसका क्या कहेंगे? नहीं तो रात का लॉकडाउन लगने से कोई फायदा थोड़ी है। रात में ठंडक की रात है, हर आदमी घर में सोता है, लॉकडाउन वैसे लग जाता है। हैं, अब दिन में लॉकडाउन लगे तो कोई बात हो, रात के लॉकडाउन से कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, रात में दिन में नेता रैली करते ये सब करते हैं रात? तो गलत है, क्यों नहीं रैली करते? हर आदमी जानता है कि भाजपा की सरकार है, भाजपा गरीबों की मदद कर रही है, राशन बांट रही है, फ्री इलाज कर रही है, ये कर रही वो कर रही, सबको सब बेनिफिट हो रहा है सरकार। अच्छा, ये कह रहे थे कहाँ गए? इधर आइए, 5 काम इनको गिना दीजिए, कह रहे भाजपा काम नहीं। कौन सा काम भाई? सुनो, हम गरीब आदमी हैं, हमको राशन मिलता है, हमारा आयुष्मान कार्ड बना है, हमको सम्मान निधि मिलती है, किसान सम्मान निधि हमको मिलती है, और विधवा पेंशन हमारी हमारे घर परिवार में मिलती है, ये सब कुछ मिलता है। आपने कहा किसान है आप? हाँ, किसान भी है। अच्छा, किसान है। अच्छा, ये दही किसानों के साथ कहते हैं कि 700 किसानों की शहादत हुई है, ठीक हुआ क्या? वो नहीं, वो तो अलग बात है, वो तो जहाँ विवाद हुआ किसी मामले में हुआ। नहीं, आप कानून लाए थे, फिर आप यू टर्न क्यों ले लिया आपने कानून? नहीं, कानून के मतलब ये है कि भाई जिसे जहाँ पर विवाद हुआ वो किस बात के लिए लड़े हुए थे, किस बात के लिए नहीं लड़े हुए थे, वो तो बात। इस पे सरकार को क्या कहेंगे? नहीं, सरकार को क्या कहेंगे? सरकार उसमें क्या कर ले भाई, विवाद करने वाला वहाँ सरकार थोड़ी खड़ी है। अच्छा, ये अजय मिस कैनी को आप क्या कहेंगे लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ? नहीं, किसानों के साथ मान लो किसी ने किया वो गलत किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें सरकार का कोई वो नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से ठीक हुआ क्या? नहीं नहीं, जो भाई नुकसान हुआ उनके उनसे जो हुआ वो तो गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग नुकसान किए हैं, जो कुछ किए हैं, तो भविष्य में उनको दंड दिया जाएगा, हैं, और उनको सामाजिक न्याय भी मिलेगा। ये अच्छा हुआ या गलत हुआ ये? नहीं, ये तो गलत हुआ। हाँ बिल्कुल। तो फिर किसान कैसे खुश रहेंगे? नहीं, किसान वो मुद्दा अलग है भाई, मुद्दा एक आदमी की बात जैसे आप करते हो, किसान क्यों नहीं कुछ, छोटे छोटे किसान जिनके 5 बिस्वा जमीन है उनको भी 2000 रुपए हर तिमाही को मिले? किसान को जो साढ़ है ये सब बहुत परेशान कर रहे हैं, और साढ़ हर जगह नहीं है ना भाई, हर जगह साढ़ नहीं, जहां पर तलेटी है, जंगली क्षेत्र है, वहां साढ़ है, हर जगह थोड़ी साढ़ बैठा है हर जगह। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं कि खाद महंगी कर दी, ये सब महंगा, तो खाद तो महंगी एक अलग चीज है, वो महंगी कर नहीं दी है। कितने बीघा है? किसके? आप कुछ कह रहे, आप ही बता दीजिए ना सारी बात है, आप अगर बात बता दीजिए ना। आप आइए तो नीचे आइए, तो थोड़ा कोई राजनीति। अच्छा, ये किसानों की बात हो रही थी, आप तब से हमसे कह रहे हैं कि रवीश कुमार हो, ये हो, मैं तो सिर्फ मुद्दा पूछ रहा हूँ। लाइए लगाइए कैमरा। हाँ, मैं किसान। कितने बीघा खेती है? मेरे पास 70 बीघा खेती है। 70 बीघा खेती में जब गेहूँ डालते कितना गेहूँ डालते? देखिए, गेहूं का बीज पर 70 बीघा में, ये बताइए कितने 70 बीघा आपने खेत, अगर गेहूं के खेत करते हैं, हम नहीं करते, हम यहाँ लखनऊ में बैठे हैं, हमारे पास 70 बीघा मजदूर करते हैं। आपको नहीं पता कितने बीघा गेहूं लेबर करते हैं? आपको नहीं पता कितने किलो गेहूं डरता है? नहीं, हम नहीं करते हैं उसको, ना हम नहीं करते हैं।
ना। अच्छा ये तो 70 बीघा में कितनी बोरी खाद की डलती है? फिर वही बात कर रहे हो, हम क्या करें, हमारे लेबर लगा, चलो गोंडा दिखाते हैं, अब मैं गोंडा रहने वाला हूँ। आपको आप पेमेंट नहीं करते लेबर को? बिल्कुल नहीं करते, हमारा भाई करता वहाँ बैठ करके। तो भाई खेती करता तो आप नहीं करते ना, तो भाई को पता होगा। किसान है हमारे पास, खेती है, हमारा काम होता है, सब लेबर करते हैं, भाई कराता है। नहीं तो हम उनसे गलत क्या पूछ रहे थे, हम तो यही कह रहे थे कि बाल उल्टे पूछ रहे हैं। उल्टा पूछ रहे, बाल काटने वाला ना हो, ट्रेनिंग बारे में क्या जानेगा वो? तो आप बता दीजिए। अच्छा अच्छा, टेनी को आप क्या कहेंगे? आप टेनी को गुंडा कहेंगे, अपराधी कहेंगे, या भला आदमी कहेंगे? भला है, भला नहीं, भला बुरा बात ही नहीं, टेनी को कुछ नहीं कहेंगे। टेनी का लड़का उसमें शामिल था, उसको सजा हो चुकी है। टेनी की क्या गलती है? मेरा बेटा अगर गुनाहगार होगा तो हम उसमें क्या करेंगे? अच्छा जो धमकी वाला जो भाषण दिया था वो किसने दिया था? तुम यहाँ से भाग जा। नहीं, कितने धमकी वाले भाषण, उस पर आपने कितने कवरेज दिखाए? वो वैसी साले सारे आम आकर के हम लोगों को मारने की धमकी दे रहा है, उसको आपने कब दिखा दिया? आपने कब दिखाया उसको? ओवैसी ने अगर बोला तो हाँ, क्या कह रहे हैं? अवैसी सांसद हैं, अवैसी को गिरफ्तार क्यों नहीं? सरकार किसकी है? सही एक एक सांसद को गिरफ्तार, ये बताइए सरकार किसकी है? क्या तो आप टेनी को सुनिए भैया, आप टेनी को क्या एजेंट है भैया? ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में बोलता है, आज रहे हैं कल नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब क्या है? अब इनकी बात पे आ जाते, वो कह रहे हैं कि वो तो आप ही के पार्टी के, फिर क्यों गिरफ्तार नहीं करते? नहीं, हमें नहीं पता किस पार्टी का एजेंट है भाई, वो नेता आदमी है भाई, वो नेता। तो आप अजय टेनी को क्यों गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? जो लोग हैं कि नहीं भाई, नहीं नहीं, तो ओवैसी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? वो सांसद सरकार मेरी नहीं है, सरकार बीजेपी की है, मैं एक नागरिक हूँ। पहली बात तो यहाँ से शुरू करिए आप, आपके सवाल गलत हैं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं, तो आप तब तो हमसे कह रहे थे आप हमें जवाब दे दीजिए, तो फिर आप नागरिक आदमी तो नागरिक के हिसाब से पूछ रहे हैं। नहीं समझे, आपने कहा अजय टेनी, वो बेचारा अजय टेनी के बारे में क्या जाने? आप सपोर्ट, अच्छा ये नहीं पूछ सकते आपसे कि गलत, हम आपसे ये नहीं, तो वही तो कह रहे हम इनसे सवाल ये नहीं कर सकते, हम इनसे सवाल ये नहीं पूछ सकते जो ये देश के अंदर हो रहा, गलत हो रहा है या सही हो रहा है। मंत्री पद से हटाया जा रहा है अजय टेनी को, इतने सारे किसान मार दिए गए हैं, उसके लड़के को जेल भेज दिया गया है, लेकिन क्यों नहीं उसको इस्तीफा उसे दिलाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? नहीं, ये कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, बलात्कार और सारी चीजें तो हो रही है प्रदेश में, जब भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्रियों के लड़के किसानों पर गाड़ी चढ़वा रहे हैं तो फिर हत्या कहाँ हो रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के पुत्र हैं, और क्या ये कह रहे हो तुम? पूछ रहे हो, ये गलत पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो ऐसी बात? ये जो है वोटर हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोटर की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना बोलना होता है, अपना समझना होता है बस। नहीं तो दर्द तो हुआ है ना? नहीं तो दर्द है, कहीं ना कहीं से हो सकता हो भाजपा को वोट दिया हो, हकीकत पे कोई सवाल कर लो, हकीकत पूछ लो तो दर्द होता है। तो हकीकत के नाम पे भारतीय जनता पार्टी और उनके वोटरों को बहुत दर्द होता है। अंकल जी से यही पूछना चाहता हूँ, आप जो है आशुतोष टंडन जी से कितने बार मिले हैं? 5 साल में कितने बार यहाँ पे आए हैं? आपसे जो है आप उनसे कितने काम करवा लिए हैं आप ये बताइए? आप जो आप वोटर हैं, आप सामाजिक है, रोड बन गई, आप देखिए रोड बन गई, नाली और ये सब। ये मंत्री है, ये मंत्री है, भाजपा के नहीं है, भाजपा के मंत्री, आप देखिए रोड दिखाइए, ये रोड दिखाइए, इधर रोड है, इधर रोड है, इधर क्यों कुछ भी है नहीं, गिट्टी निकल रही है, आप देखिए नीचे देखिए, रोड कब बनी है? रोड अभी एक हफ्ता हुआ, अभी एक हफ्ते में गिट्टी निकलने लगी पूरा पूरा, ये देखिए देखिए पूरा गिट्टी निकल रहा है। तो ये ना कहिए, बीजेपी में भी जितने कांग्रेस और सपा के जो गुंडे थे वो आके बीजेपी में शामिल हो गए, हम इसका विरोध करते हैं। सुनिए, मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी सीएम बने, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं अंदर ना रखें, जो भी भ्रष्टाचार विधायक और मंत्री हैं ये ऐसे लोग को तुरंत बर्खास्त किया जाए। चलिए, आपके हिसाब से माहौल क्या लग रहा है इस बार पूर्वी? क्या माहौल है? क्या मतलब किसकी सरकार ला रहे हैं? मायावती होगी अगले? सपा 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 सरकार। क्यों सपा सरकार ला रहे? समाजवादी हैं। अच्छा, किस लिए ला रहे हैं? अरे उनके सरकार में बहुत काम हुए, भाजपा में बहुत विकास, कुछ नहीं विकास हुआ, कुछ नहीं विकास हुआ, आपके हिसाब से विकास नहीं हुआ? विकास कुछ नहीं हुआ, हमें बताइए क्या विकास हुआ? जब सरकार बनने वाली हुई तो आप राशन बांट रहे हैं, इससे पहले राशन पे भी फोटो लगा रहे हैं अपनी, राशन पे भी मिल रहा है जो उस पे फोटो लगा रहे हैं अपनी। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब सरकार में विकास नहीं हुआ? सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, इनसे पूछता, नाम क्या है? जगन्नाथ। अच्छा जगन्नाथ, क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल ये फिर से यही जीतेगी सरकार, ये कह रहे फिर से भाजपा आ रही है। भाजपा क्यों आ रही है आप बताइए? भाजपा भाजपा नहीं आएगी, यही आएगा। नहीं, भाजपा आएगी लेकिन क्यों आएगी?
हाँ अभी देखिए, अभी एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। गोंडा से अंकल जी हैं, गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनके ऊपर 100 से ऊपर अधिक मुकदमे हैं। उन्होंने जो है ना एक साधु संत का जो है पूरा वो मंदिर कब्जा कर लिए हैं और उनको जो है भगा दिए हैं। और साधु जी आपके इको गार्डन में 60 दिन से अनशन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं। दिनेश शर्मा जी भी मिलने गए, आश्वासन दे के जो है उनको जो है कह रहे हैं कि आपका होगा होगा, लेकिन एक बात बताइए आप हमें, आप कहते कानून व्यवस्था ये सब है, लेकिन कहते आप भाजपा की सरकार आएगी। मैं योगी जी की सपोर्ट में हूँ, लेकिन डर तो नहीं है ये। नहीं नहीं, योगी जी से डर नहीं है, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि योगी जी कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन जो एक्शन लेना है ना एक्शन ले, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं या भ्रष्ट विधायक हैं इनको बाहर करें तत्काल पार्टी से। आपके हिसाब से क्या लग रहा माहौल इस बार, क्या है पूर्वी का? हम कभी यही चीज नहीं मालूम है किसकी सरकार में, नहीं पता है। देखिए आप देखिए कैसे डर का माहौल, कोई आदमी बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं सकता है, मतलब अपनी बात नहीं रख सकता है। डर तो आप भी रहे हैं। नहीं डर मैं नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। आशुतोष टंडन जी हैं, यहाँ पे क्या विकास किए हैं, यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए कितने बार उनसे मिले हैं। आशुतोष टंडन जी 6 महीना बचा है, इसीलिए अब सब काम हो रहा है। विकास अभी तो विकास खो गया था, विकास मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब मिला है तो पकड़ में नहीं आ रहा है। अब जो मिला है तो पकड़ में नहीं आ रहा है, इतना भाग रहा है। कहते 4.5 लाख रोजगार दे दिए। कहाँ रोजगार दे दिए, कोई नहीं रोजगार, दो को दिए 2000 का दिए। आपके हिसाब से दो लोगों को 2000 का? यस सर। अच्छा तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है? कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी है, हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही समझ रहे हैं। नहीं बताइए। नहीं हम बता क्या रहे, बताइए आपके हिसाब से। हमारे हिसाब से तो इतनी कानून व्यवस्था ठीक है, तो क्या बताएं, कानून व्यवस्था बहुत ठीक है। अच्छा ये बताइए और भी लोगों से जाने को क्या लग रहा, माहौल क्या है इस बार? हाँ किसकी सरकार लाएंगे? मोदी जी की। मोदी जी की? मोदी जी की। मोदी जी तो केंद्र में, क्या यूपी में किसको ला रहे हैं? अरे अपन 4 रुपया मोदी जी अब की लाएंगे तो हाथ में कटोरा हो जाएगा सबके, ये हमारी वादा है। आपके हिसाब से मतलब कटोरा हो जाएगा? कटोरा हाथ में कटोरा आ जाएगा सब। कटोरा क्यों आ? अरे उनकी सरकार कमाने वाली है, उसे कमाते हैं वो सरकार में केवल आते हैं। वर्मा जी की हमसे नाराजगी होगी, बोले कि तुम हमसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, सब लोगों से पूछ रहे हो, क्या लग रहा है नाराजगी हमसे क्यों हो रहे हैं? नाराजगी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी एक झूठी हिंदूवादी सरकार है जो सिर्फ हिंदुओं को राम के नाम पर मूर्ख बना रही है। नहीं कहती है कि हमने तो राम मंदिर बनवा दिया, ये तो सब मेरी देन है ना? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आया है और उसमें भी लड़ाई जो है हिंदू महासभा ने लड़ी है, कमलेश तिवारी ने लड़ा है। कमलेश तिवारी जी जो कि मुख्य पक्षकार थे, हिंदू महासभा जो है पक्षकार थी, लेकिन उनको शिलान्यास में नहीं बुलाया गया, किसी भी पिटिशनर को वहां पर नहीं बुलाया गया, धन्य है। लेकिन उन कोटारी बंधुओं को जो उनकी माता जी को बुलाया गया, कमलेश तिवारी जी को सपा गवर्नमेंट में 18-18 गनर होते थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2017 में सरकार बनी, एक गनर कर दिया गया उनका। आपके हिसाब से मतलब भारतीय जनता पार्टी की सब देन थी? सब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की देन है ही है। आज स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, ना बिजली का खर्चा हो रहा है ना कुछ, और ऑनलाइन जो है ना पढ़ाई करा के सिर्फ स्कूल वाले मूर्ख बना रहे हैं और प्रेशर बनाते हैं परिवार वालों पर कि जो है फीस जमा करें, नहीं फीस जमा करते हैं नोटिस भेजते हैं। नहीं तो आप कहते कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश की बहुत बढ़िया है, बिल्कुल जिस तरीके से योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं वो कानून व्यवस्था तो बढ़िया है। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ अन्य पार्टी के लोगों ने यही कहा, धनंजय सिंह जो है बाहुबली नेता हैं, उनका घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा है, जबकि वो तड़ीपार भी हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी से अन्य वोटर और भी कई पार्टी के लोग सवाल कर रहे हैं, मैं भी चलिए ये सवाल कर दिए दे रहा हूँ, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर पहले की सरकारों में बहुत खराब था, अब तो लॉ एंड ऑर्डर की मतलब स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ हाँ ये तो ये भारतीय जनता पार्टी के भक्त केवल बोल रहे हैं, बाकी और कोई नहीं बोल रहा है। तभी आप नाराज हो गए, सामने भक्त देखा तो आप चले आए वहाँ से गाड़ी से उतर गए। नहीं भक्तों का चश्मा नहीं हटाया जा सकता है ना इस गवर्नमेंट में, जैसे कह रहे हैं। आपको लगता है कि भक्त है? बिल्कुल भक्त क्यों नहीं है, भक्त क्यों नहीं है? कह रहे हैं अंकल जी जैसे हमारा 70 बीघा खेती है, उनको पता ही नहीं कि क्या क्या पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। हमने पूछ लिया, पूछ रहे हैं कि यूरिया 400 रुपया बोरी था, अभी 2000 रुपया बोरी कर दिए गए यूरिया, किसान कहाँ खुश है? डीजल जो है 60-65 रुपया हुआ करता था, 100-100 रुपया डीजल, 80-90 रुपया डीजल पहुँच गया, किसान कैसे खेती करेगा आप बताइए?
साढ़ गैया जो है गोंडा बस्ती और जो है आपके अयोध्या में साढ़ आतंक मचाया है। बीजेपी ने रोजगार बहुत दिया, कहते 4.5 लाख रोजगार दे दिया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। योगी की आप उत्तर प्रदेश को फिर जरूर उत्तर आप उत्तर प्रदेश क्या लखनऊ के इको गार्डन पे धरने पर 59,000 शिक्षक भर्ती वाले में हर दूसरे दिन उन लड़कियों पर लड़कों पर लाठी चले, कहाँ किस जगह कहाँ से बेरोजगारी हट गई है? कितना बेरोज 59,000 उनकी भर्तियां तो करें योगी जी, क्या करेंगे वो? उनको हर 2-3 दिन बाद वो आते हैं न्याय मांगने के लिए, उनके ऊपर लाठी चलाई जाती है पुलिस प्रशासन द्वारा। किस तरीके से गर्दन पकड़ के एक सीओ उन लड़कों को करे जैसे वो अपराधी है? आपके हिसाब से मतलब कानून व्यवस्था खराब? भारतीय जनता पार्टी को इस बार उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बढ़िया और करारा जवाब देगी। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, चच्चा माहौल क्या लग रहा है इस बार? माहौल बिल्कुल बेकार है इस समय, ये जो है बिल्कुल बेकार है हर हालत। मतलब जैसे बच्चों का, हमारे बच्चे हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, लेकिन उसके बाद भी हमको 4,000-5,000 फीस भी देनी पड़ रही है। चलिए इनसे पूछते हैं क्या लग रहा है, सिगरेट वगैरह पी रहे हो, एकदम धुआं उड़ा रहे हो, और सब बढ़िया? सब बढ़िया भैया। अरे लाख से भी धुआं, इधर आइए इधर आइए, माहौल क्या लग रहा है? माहौल ठीक नहीं है। किसको ला रहे हो? अब जो आएगा वही आएगा, और माहौल ठीक क्यों नहीं है? बहुत विकास हुआ है, सब कुछ गुंडागर्दी हो रही है, और क्या, उत्तम प्रदेश बन गया, आप कहाँ गुंडागर्दी? पहले गुंडागर्दी होती थी, अब कहाँ? अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं, बहुत से गुंडे हैं अभी भी। कौन सा गुंडा, 2-4 नाम गिनाइए। नाम तो हमें नहीं पता, मगर यहाँ होती रहती सब। अच्छा, यहाँ पूर्वी में होती है? और क्यों नहीं होती है, जब देखो तब यहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आपके हिसाब से कानून ठीक नहीं है? हाँ, और क्या। अच्छा, और क्या क्या चाहते? रोजगार बहुत दिया इस बार, रोजगार हम लोग को, बेरोजगार घूम रहे, तभी सिगरेट पी रहे हो? अरे तो सिगरेट पी रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है, शायद गम में पी रहे हो, हमने समझा तुम सिगरेट पी रहे हो इसलिए हम नहीं नहीं रहे। ये हम 173 पूर्वी विधानसभा पे लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, कैमरामैन सबके साथ अंडा कुमार, नेशनल दस्तक लखनऊ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।